गाना रिकॉर्ड किया है स्टूडियो में, जो कि राजेश शर्मा जी ने कंपोज किया है, फ्रांसिस जी ने बहुत ही खूबसूरत लिखा है, दिनेश सोनी जी डायरेक्ट कर रहे हैं ये फिल्म और कुलराज के साथ में गाया है। उम्मीद करती हूँ जितना मज़ा मुझे गाते वक्त आया उतना ही मज़ा आप सभी को सुनते वक्त आया, और जितना प्यार मेरे अभी तक के गाने को मिला था दीजिए। नहीं गा तो नहीं ना सकते, आपका रिलीज नहीं है गाना, कोई ले लेगा। ओके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है एंड खास करके फलक जी के साथ काम करने, एंड आई थिंक गाने को बहुत ब्यूटीफुली कंपोज किया है, एंड आई थिंक जब ये रिलीज़ होएगा तो सबको आई एम श्योर बहुत पसंद आएगा, एवरीवन विल एंजॉय वेरी मच, एंड आई होप के वी हैव डन द सॉन्ग जस्टिस, एंड आई होप के अगेन एवरीवन लाइक्स इट। सर किस टाइप का सॉन्ग? सर रोमांटिक सॉन्ग, यू नो वेयर टू लवर्स एक्सप्रेस देयर यू नो utmost love for one another, you know, it's a beautiful song, I'd say. ये गाना मेरे पास सोनी जी लेके आए थे, दिनेश सोनी, बोला कि ऐसा बनाओ जो एक अलग टाइप की लाइनें हों, तो हमारे राइटर फ्रांसिस कम, तो फ्रांसिस ने लिखा है, यस ये सॉरी इज द फुल नेम, तो ये फिल्म का गाना है और मुहूर्त सॉन्ग है, और ये बहुत ही खूबसूरत गाया है, अलग मुझे लिख माई ऑन बेच फेवरेट सिंगर, तो मैं पहले भी एक गाना कर चुका हूँ पहले। तो ये गाना वीडियो सॉन्ग है तो कब से? वीडियो सॉन्ग फिल्म का गाना है, हाँ ये वीडियो सॉन्ग फिल्म का गाना है, और इसमें मूवी में ये रोमांटिक फिल्म है, पांच गाने और पांच ये पहला गाना है। ऑडियंस को कब तक सुनने को मिलेगा? बहुत अच्छा गाया है पलक ने जी। ऑडियंस को ये कब तक सुनने को मिलेगी? होप ये तो डायरेक्टर साहब बताएंगे, मेरा पार्ट खत्म हो जाएगा 3 महीने में, पांचों गाने अपने निपटा दूंगा धीरे धीरे करके बाद में तो जब फिल्म आएगी तब आएगी। तो अभी सर प्रोड्यूसर डायरेक्टर दिनेश सोनी इज द डायरेक्टर, दिनेश सोनी, और अभी ज़्यादा कुछ इस रिवील नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्टर साहब ने मना किया है, और बाकी तो कुणाल ने और पलक ने दोनों ने बहुत अच्छा गाया, ही इज़ वेरी गुड सिंगर, और टी सीरीज से 2 गाने कुणाल के रिलीज हो चुके हैं, एक मेरे पता लव इज़ गॉड अंडर डायरेक्शन बाय राजीव वाजिया जी, और तेरी बेवफाई वो भी टी सीरीज से रिलीज हुआ है, बस कुणाल सचदेवा का कल और एक रिकॉर्डिंग है जी म्यूजिक के लिए, कुणाल सचदेवा और कल गाने गाने वाले हैं आकांक्षा शर्मा के साथ, और आज कुणाल सचदेवा ने पलक के साथ गाया है, पलक मुच्छल और कुणाल सचदेवा, कल कुणाल का और आकांक्षा का है, कुणाल तो छाए हुए हैं आजकल, और ही इज़ वेरी गुड सिंगर, और बाकी सोनी जी और आप लोग गाने के बारे में जी, गाने के बारे में क्या कहूँ, सुनेंगे तब आप वही लेट द लिरिक्स वी आर टॉकिंग, मैं क्या बोलूँ आपको, सुने आपको अच्छा लगेगा, बेस्ट अचीवमेंट है नथिंग मच। बाकी दिनेश सोनी जी बताएंगे आपको कि फिल्म के बारे में क्या, क्योंकि मैं कुछ फियर और प्रॉब्लम है, गाने किस प्रकार चॉइस किया है इसके ऊपर करो, हमारी मूवी है एक म्यूजिकल जर्नी है, ऊपर हमारे सेंटर करेक्टर की म्यूजिकल जर्नी है, म्यूजिक बेस्ड है, एंड ये रोमांटिक सॉन्ग हमने अपने विजुअली अकॉर्डिंग हमारे कॉन्सेप्ट हमने इस तरह से डिज़ाइन किया, और राजेश शर्मा जी जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं उन्होंने काफ़ी सारे डेमोज मुझे सुनाया पहले, बट ये लिरिक्स मुझे सबसे बेटर लगा, सबसे अच्छा लगा, 20-25 डेमो सुनने के बाद फ्रांसिस जी की जो लिरिक्स बहुत काम कमाल कमाल का है, हमने करीब 4-5 मंथ से कंटिन्यू म्यूजिक की तैयारियाँ चल रही थी हमारी, तो फाइनली हमने यहाँ आज शुरुआत किया है फर्स्ट सॉन्ग है हमारा ये। तो टोटल फिल्म में कितने सॉन्ग? टोटल 6 सॉन्ग और 6 सबसे अलग है कि सर इसलिए सॉन्ग है जो सबसे अलग है कि ये अलग है, डिफरेंट है, नो डाउट लिरिक्स भी बहुत अल्टीमेट, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है, मैं आई होप कि ऑडियंस को भी पसंद आएगी, राजेश शर्मा जी ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया है, उन्होंने हमारे लिरिक्स राइटर हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बारीकी से इसको इस्तेमाल किया, एंड रोमांटिक सॉन्ग देखिए क्या है कि आज की यूथ लाइक करता है करते हैं ऐसा नहीं है,
बट छः गाने में सभी गाने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन से आगे भी और सॉन्ग अरिजीत सिंह मीना कक्कड़ सिंह जितने भी उनसे सर आप क्या कहेंगे गाने वाले में आपको क्या गाना सुनो ऊपर करो आप चल दें इस गाने में क्या कर रहे हैं आप ऊपर करो वो मेरी फिल्म के नेगेटिव कैरेक्टर ये अच्छा निभा रहे हैं डैनी सिंह के लड़के का कैरेक्टर है और ऊपर करो गाने के बारे में गाना बहुत अच्छा लगा मंगत मुच्छल फेवरेट सिंगर से यहाँ पॉपुलर ऐसा लगता है कि पॉपुलर होना चाहिए गाना सर आप भी बताएं कैसा गाना है ये गाना पॉपुलर होगा कल्पा में राइटर इतने अच्छे हैं सिंगर इतनी अच्छी है तो इसके बारे में कुछ पूछना ही नहीं चाहिए कंपोजिंग भी कंपोजिंग कमाल की है मतलब सब कुछ मिलाकर जो चीज़ चाहिए ऑडियंस को पूरा भरा हुआ है ये रिलीज होगी और टॉप 10 में पक्का आएगी लिख कर देता हूँ और राजीव जी के बारे में क्या कहेंगे किस टाइप ये तो आप हो गया कि सूरज को दिया दिखाना सीधी सी बात है एक अपने आप में टैलेंटेड बंदे हैं उनके बारे में हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं उनमें इतना कुछ है कि बताने जाएंगे तो मेरे ख्याल से सब कुछ पूरा हो जाएगा पूरा दिन निकल जाएगा बट बहुत ही टैलेंटेड चाहे वो हमारे राइटर साहब रहे हैं सॉन्ग के या हमारे डायरेक्टर साहब रहे हैं बढ़िया है हर एक पिक्चर को वो पूरी तरह से निचोड़ के निकालते हैं लास्ट टाइम भी दिनेश जी का एक सॉन्ग टॉप 10 में था अगर मैं गलत नहीं हूँ और सबसे बड़ी बात है उस सॉन्ग को लिखा गया सिंग किया वो एक अलग बात है लेकिन जब उस सॉन्ग को बनाया जा रहा था यानी कि डायरेक्ट किया जा रहा था तो मैं अगर गलत नहीं तो सर एक रात में आपने पूरी मेहनत की पूरी मेहनत इन्होंने एक रात में की थी और सब जितने भी थे एक्टर्स जो भी थे उन सब ने कॉपरेट किया पूरी रात चल रही है बिकॉज इनको निकलना था बैकअप का टाइम था और उन्होंने एक रात में जो किया और वही सॉन्ग टॉप 10 में आ चुका था सातवें नंबर दैट इज द बेस्ट पार्ट आई हैव सीन कि मेहनत जो रंग लाती है एक दिन में भी ला सकती है ऑडियंस को गाना बहुत पसंद आया बिल्कुल और आप सभी बहुत पसंद करेंगे इसे भाई साहब अंदर आइए विदिन ए सिक्स मंथ आफ्टर ए सिक्स मंथ मार्केट में सॉन्ग आ जाएगा आप हमारे प्रोड्यूसर सर आप बताएंगे हेलो गाना सुना बहुत अच्छा लगा और बोल भी लिरिक्स की कंपोजिंग शर्मा जी की और फ्रांसिस जी का होता हुआ गाना बहुत अच्छा सुपर हिट होगा बहुत ही बढ़िया गाना है लिरिक्स बहुत ही बढ़िया है जैसे आज के जो जमाने को उसको कहते हैं रोमांस और जो प्यार देखने को मिलता है उसको जाहिर करने के लिए लिरिक्स बहुत बढ़िया है म्यूजिक है बहुत ही बेहतर म्यूजिक है बहुत ही कामनेस आपको बहुत आपके माइंड को देगा और मैं आशा करता हूँ गाना सुपर है बहुत बढ़िया बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग लगा लिरिक्स आर वेरी स्वीट और गाना सुनते ही ऐसा लगता है जैसे एज एन ऑडियंस बिल्कुल दिल में बस जाने वाली लाइंस हैं तो जैसे एक बार ही सुन लो ऐसा लगता है गुनगुनाते रहो सारा दिन उस गाने को तो आई एम श्योर कि बहुत ही फेवरेट होने वाला है मेरा ये सॉन्ग जब रिलीज होगा तो इट्स रियली नाइस राजेश जी ने म्यूजिक दिया है इस गाने में तो उनके बारे में बहुत ही अच्छा कंपोज करते हैं वो म्यूज़िक पहले भी मैंने इनके जो गाने सुने हैं दे आर रियली ब्यूटीफुल और बहुत ही रिदमिक बहुत ही सॉफ्ट और सूदिंग म्यूज़िक होता है इनका बहुत अच्छा लगता है इनके गाने सुनने में